નેક્સ્ટ ટાઈમ થી મારા વાસ્તે યાર ઓળનો લાવજો, મતલબ ઓળનો પહેરે હકુ. હા પૂરી ડ્રેસ બનાન લાવ. બહુ બઢિયા દીકરી આવ, એકદમ ફૂટરી ફૂટરી લગી જા રહી હે. आप भी अच्छे लग रहे हैं बिंदी के साथ, बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू थैंक यू. आपके पास से कला सीखनी है अभी, ट्राइबल आर्ट, तो ये सारे लॉकडाउन के बाद हम पूरा आपके आई सब हल्ला बोलने वाले हैं. हमारी लेडीज भी दिख रही है ना, आप ये सब दिखने में सीधी साधी महिलाएं दिख रही है, पर ये सब खूंखवार है, यही है वो खूंखवार. उसके पहले आप मुझे प्लीज इंस्ट्रक्ट करिएगा कि कौन सा वीडियो पहले लगाना है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन गो अहेड. रूमा देवी का जो एक वीडियो भेजा है वो है ना आपके पास? जी, तो मैं अभी उसे प्ले करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो फिर उसके बाद नवकार मंत्र, तब तक वीडियो देख लेते हैं और फिर नवकार मंत्र करके फिर शुरुआत करते हैं. कोरोना जैसी विश्व महामारी से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन ने देश के कुटीर उद्योग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है. हमारे यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में हजारों महिला आर्टिजन ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान से जुड़कर कसीदाकारी का कार्य करके अपने परिवार का लालन पालन कर रही थी. संस्थान द्वारा किए गए कई वर्षों के प्रयासों के बाद इन दस्तकारों की आय में बढ़ोतरी हुई थी. लॉकडाउन के कारण वर्तमान में इनकी आय जीरो पर पहुंच गई है और इसे वापस उस लेवल तक पहुंचने में वर्षों लग जाएंगे. अभी मैं जिनके घर आई हूं वो कैंकू देवी और उनकी सास है. सास बहू दोनों ही विधवा है और इनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है. इतने दिनों तक ये दोनों कसीदाकारी कार्य के माध्यम से ही गुजर बसर कर रही थी. ये वर्तमान में खाने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे भोजन पर निर्भर हो गई है. बीमारी और लाचारी के चलते पूरी तरह से मदद की मोहताज है. इनके जैसे हजारों परिवार की ऐसी दयनीय स्थिति है, इनके पास किसी भी तरह की बचत और आय का कोई जरिया नहीं है. बहुत बहुत खूब. कोविड 19 की सिचुएशन में आपने देखा ही है कि राजस्थान का बाड़मेर जिला किस तरह से अफेक्टेड है. इनफैक्ट पिछले समर के टाइम में भी बाड़मेर की कहानी हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किस तरह वहाँ पे पशु पक्षी प्राणी और यहाँ तक की जीवित हानि हुई है पानी की कमतरता की वजह से. उसी जिला बाड़मेर से रूमा देवी है और हमारे आज के दोनों स्पीकर नताशा मालपानी ओसवाल जो कि अर्बन एंटरप्रेनर है, रूमा देवी रूरल एंटरप्रेनर है. और ये दोनों देखिए कोइंसिडेंस कितना, और आज का हमारा अहोभाग्य कि ये दोनों बाड़मेर जिला से है. तो आज हम हमारा जो ये वेबिनार है इससे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं. समस्त देश, इनफैक्ट ग्लोबली हमारे सारे इंटरनेशनल चैप्टर्स की महिलाएं, और ये सिर्फ महिलाओं का फील्ड नहीं है, ये मेन का भी फील्ड है. तो मैं समस्त कम्युनिटीज को यहाँ पे वेलकम करती हूँ. और हमारे आज के इस वेबिनार की शुरुआत हम नमो अरियंतारण से, हमारे नवकार मंत्र से करेंगे. इंद्र, जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार सभी देशवासियों को. जीतो लेडीज विंग की ओर से सादर प्रणाम. सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ पे सादर आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब ने दोपहर की 3 बजे की जो थोड़ी सी और टाइम है लॉकडाउन में खाना खा के सोने की टाइमिंग है, पर आपको हमारे क्योंकि उसके लिए भी थोड़े से जूम के लिमिटेशन रहता है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहता है, तो आपको इस समय के लिए. लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छा सब आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है.
आज हमारे जो दोनों स्पीकर्स है नताशा मलपानी ओसवाल और रूमा देवी, मैं नताशा के जो दोनों पेरेंट्स है मालपानी जी अंजलि जी और नताशा के डैडी अनिरुद्ध जी मालपानी, हाँ उनका स्वागत करती हूँ। प्रतीक ओसवाल जो कि नताशा के हस्बैंड है, जो उनके पीछे एक बैकबोन बन के खड़े है, उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। मोतीलाल जी और विमला जी जो हमारे जीतों के पास चेयरमैन है, उनका भी हार्दिक स्वागत। फिर उसके बाद रूमा देवी आपके हस्बैंड पीकू मल जी, जिनकी वजह से पीकू नाम बहुत अच्छा है, देखिए पीकू कितना फेमस नाम है, तो आपके देखिए रूमा देवी के साथ साथ पीकू बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो पीकू मल जी को भी हमारा सादर प्रणाम। आपके जो बेटे हैं परिवार है उनको सबको नमस्ते। आज के हमारे इस वेबिनार में आयुष मिनिस्ट्री के जो डायरेक्टर है दिनेश जी उपाध्याय वो भी मौजूद है, अमृता ताथेड़ जो कि हमारी यूथ लेडीज विंग की प्रेसिडेंट है, हम उनको भी स्वागत करते हैं। मेरी जो समस्त टीम है जीतो लेडीज विंग की, सुमन बचावत वाइस चेयरमैन, सिंधु जैन जो कि जनरल सेक्रेटरी है, सुनीता बोहरा, मीनल एडवोकेट मीनल खोना, हमारे सारे वाइस जोन में, सबके एक एक नाम नहीं लूंगी, पर हमारे वाइस जोन चेयरमैन जो है इंडिया के जीतो के लेडीज विंग के, उन सब वो साथ में हमारी जो टीम मेंबर्स है, हमारे सब बोर्ड मेंबर्स है, सारे चैप्टर चेयरमैन सेक्रेटरीज जीतो, सारी जीतो फैमिली और जीतो के अलावा पूरे देश के हमारी सारी कम्युनिटीज जो यहाँ पे आज ज्वाइन हुई है उन सबका हम स्वागत करते हैं। प्रकाश जी कानूंगो आपका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि आपका बहुत कोऑपरेशन रहा है। ट्रेजरर हमारी हेमा जैन है, डिंपल सुखराज जी नाहर है, तो इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वेबिनार को आपने देखा रहेगा कि रूमा देवी और नताशा, ये जो कॉम्बिनेशन है रूरल और अर्बन, मतलब देसी के साथ एक मॉडर्न तड़का, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। हम सारे लॉकडाउन में हैं, हम सब रोज नई नई चीजें सीख रहे हैं, इनफैक्ट आजकल तो रोज वेबिनार्स हो रहे हैं, पर ये वेबिनार एक स्पेशल है, एक कुछ खास बात है। मैं आज आपको एक गारंटी देती हूँ कि आप इन दोनों स्पीकर्स को जब सुनेंगी तो आपकी लाइफ में जरूर परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि अरे हम तो मतलब कितने सारे बेटर सिचुएशन में है, जब रूमा देवी को देखते हैं और हम हमारी सिचुएशन को कंपेयर करते हैं तो हम बहुत सारी बेटर सिचुएशन में है, इजंट इट। अब रूमा देवी का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो रूमा देवी बहुत छोटे से गांव, जैसे बाड़मेर से थोड़े से दूर पे जो गांव है उस गांव से है। अब देखिए उनके बचपन में ही माता जी गुजर गई, बचपन में चाचा जी का क्या वो बड़ी, उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ है, उन्होंने अपने माता जी के पास से एम्ब्रॉयडरी सीखी, उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी सीखी उन्होंने देखिए उनके पास कोई कैपिटल सीड फंड नहीं था, उन्होंने 2006 में उन्होंने महिलाओं से 100-100 रुपए लिए और पहले जैसे 10 लेडीज को जमा करके उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बचत गट जिसे हम कहते हैं वो बनाया। उन्हें बहुत सारी परेशानियां आई, फिर उन्होंने जैसे चेतना जो इनके यहाँ की ग्रामीण विकास चेतना जो एक इनके यहाँ एक इंस्टीट्यूट है वहां पे इन्होंने ज्वाइन किया एज अ मेंबर और देखिए आज वो वहां की प्रेसिडेंट बन गई। वो रैंप वॉक पे भी चली, वो अमेरिका में भी उनको बुलाया गया, हार्वर्ड की केस स्टडी बन गई। रूमा देवी के लाइफ का अगर आप पूरा अध्याय देखेंगे तो बहुत चमत्कारी चमत्कार है। राजस्थान में बाड़मेर जहाँ पे इतनी सारी और सिचुएशन है, उस और सिचुएशन में रूमा देवी जैसी महिला एक इतने देखिए आपने उनकी सक्षमता या उनकी जो विल पावर, उनकी जो डेडिकेशन है कि वो अमरीका तक पहुंच गई। आज वो रूरल फैशन आइकन करके इंडिया में जानी जाती है। उनका आप डिजिटल ब्लॉग देखिएगा, उनके बारे में आपने देखिए कौन बनेगा करोड़पति, रूमा देवी यह नाम सब जगह छा गया। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी आज हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्टर के हमारे फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी ज्ञानेश्वर जी मूले, अभी वो चेयरमैन है मानव ह्यूमन राइट्स कमीशन के, उनकी भी पूरी टीम आज हमारे साथ है। वो भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र इसमें से कुछ सीखे और रूमा देवी जी आपको हम एक अलग गवर्नमेंट के साथ प्रोग्राम को भी बुलाने वाले हैं। डीएमएफ की पूरी कोर टीम यहाँ पे है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज आपका जो ये सेशन है नताशा मलपानी ओसवाल जो कि डाइस मीडिया को बहुत पॉपुलर मीडिया जो है जिसको हेड कर चुकी है, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर है। नताशा के बारे में आप देखिएगा गूगल पे, आई थिंक यू विल जस्ट गेट यू नो बेस्ट एंड बहुत बड़ा इन अबंडेंस। इनफैक्ट उनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन वापिस आऊंगी, पर अभी हम चलते हैं और शुरुआत करते हैं रूमा देवी से। तो रूमा देवी आपका बहुत बहुत स्वागत, और मैं बताना चाहूंगी कि प्रेसिडेंट अवार्ड इनको नारी शक्ति का अवार्ड मिला है। अमेरिका में इनका जो जर्नी है वो बहुत ही मतलब आउटस्टैंडिंग रहा है,
तो ऐसी हमारी जो आउटस्टैंडिंग रूमा देवी है, चलिए उनको सुनते हैं। ओवर टू यू रूमा देवी, आप बिल्कुल आप अपने बारे में, जीवन के बारे में बताइए, और आप बताइए कि आपने जो अपना ये इनिशिएटिव है, आप फैशन आइकॉन जो बनी है, आप उसके बारे में बताइए, अपने सफर के बारे में बताइए जिंदगी के। सबसे पहले तो जीटू के सभी मेंबर्स को नमस्कार, जय जिनेंद्र। अब मैं आपको बचपन से शुरू करती हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तो 4 साल बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं 8वीं में स्कूल छूट गया, घर का काम करना, और मैं ज्यादातर पानी लाने में मेरा टाइम जाता था क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत थी, और मेरे पास में बैलगाड़ी थी, उससे मैं पानी लाती थी। और उसके बाद मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखा करती थी। और 8वीं में स्कूल छूट गया तो 2 साल बाद में शादी हो गई, जब मैं 17 साल की थी। शादी के बाद में भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा ठीक है, चल जो हो रहा है ये ठीक है। लेकिन जब मेरी पहली संतान हुई और उसके इलाज के लिए मेरे पास में पैसे नहीं थे तो उसको मैंने खो दिया, तब मुझे बड़ा दुख हुआ कि भगवान ये क्या कर रहा है मेरे साथ में, मेरे सब कुछ छीन लिया, अब जी के भी क्या करना है, ऐसे सोच विचार आ रहे थे। फिर मैंने सोचा अब घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं कुछ काम करूं, लेकिन काम भी तो क्या करूं, ज्यादा पढ़ी लिखी है नहीं तो कोई जॉब भी नहीं कर सकती। तो फिर मैंने सोचा कि दादी से जो कसीदाकारी का काम सीखा था उसी से कुछ करूंगी। सुई धागा लेके बैठ गए थे, लेकिन क्या बनाएंगे अभी। तो मैंने सोचा कि लोकल महिलाएं जो पियर जाती है उनके लिए बैग बनाती हूँ, तो बैग बनाने शुरू किए, लेकिन उससे भी ज्यादा इनकम नहीं हो रही थी क्योंकि हाथ का कसीदा तो मैं कर लेती, लेकिन जो स्टिचिंग थी वो मशीन से हो रही थी और वो मशीन खरीदने में मैं सक्षम नहीं थी। तो फिर मैंने अड़ोस पड़ोस की महिलाओं से बात की कि अपन मिल के कुछ करते हैं। तो 10 महिलाओं का एक SHG बनाया और 100-100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और उससे हमने काम शुरू किया। तो अब हम 10 महिलाएं हो गई थी तो सबके लिए काम जुटाना भी मुश्किल हो गया। तो फिर हम किसी ने बताया कि ग्रामीण विकास इतना संस्थान है जो हैंडीक्राफ्ट का काम करती है, अगर आप उनके पास जाओगे तो शायद आपको कुछ हेल्प हो गई। तो हम वहां गए और अभी हमारे संस्थान के सेक्रेटरी हैं विक्रम सिंह जी, उनसे जाके मिले। हमने बोला हमें काम चाहिए, हमारा समूह है, हम काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ज्यादातर महिलाएं बाहर नहीं निकलती है और आप काम लेने के लिए आए हो, विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं आप कल काम करोगे नहीं करोगे। फिर हमने बोला नहीं, हमें तो काम की सख्त जरूरत है इसीलिए हम आए हैं। तो फिर सैंपलिंग दिया, जब हम सैंपल बना के लेके गए तो उनको बहुत पसंद आया, तो फिर उन्होंने हमें ऑर्डर का काम दिया कि ये काम शायद कर लेंगे। तो फिर जो उन्होंने 3 दिन का काम दिया हमें, जब पहली बार काम मिला तो इतनी खुशी हो रही थी, अभी तो बयां नहीं कर सकते। लेकिन हमने नेक्स्ट डे ही वापस आके, जब सुबह आए तो उन्होंने पूछा कि मैंने बोला ना काम नहीं होगा आपसे, आप आ गए कल गए थे। उनका नहीं, हम करके लेके आए हैं और हमने पूरी रात बैठ के काम किया था। तो फिर उनको विश्वास हो गया कि वास्तव में ये काम करना चाहते हैं। तो फिर आगे की हमें मार्गदर्शन किया कि आप एग्जीबिशन करिए क्योंकि ज्यादा महिलाएं हो रही है। तो क्योंकि जब मेरे पास में थोड़ी बहुत इनकम आने लगी तो मैंने सोचा कि मेरे जैसी कितनी महिलाएं हैं जिनके पास में खुद का पैसा नहीं है, उनके पास में रोजगार नहीं है। क्योंकि हर महिला की इच्छा होती है कि हम कुछ खरीदेंगे, वो चीज लेके आएंगे, लेकिन उसके पास में लिमिट होती है, वो नहीं कर पाती है। तो बहुत ज्यादा नहीं करके थोड़े बहुत खुद के पैसे होंगे तो वो खुद पे भी विश्वास रहेगा कि मेरे पास कुछ है। तो हमने गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को मोटिवेट किया काम करने के लिए। महिलाएं काम करना चाहती थी लेकिन घर के लोग राजी नहीं थे, वो बोलते आप हमारी महिलाओं को पता नहीं कहाँ लेके जाओगे, ये घर का काम कर रही है यही बहुत है। तो हम समझाते कि हम कहीं नहीं लेके जाएंगे, ये घर में ही बैठ के काम करेगी, घर का सारा काम करके जो भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी। तो फिर कुछ महिलाएं जुड़ी और जब उनके पास में इनकम आने लगी तो पड़ोस की और महिलाएं जुड़ने शुरू हो गई साथ में, और घर वालों ने भी मदद करनी शुरू कर दी क्योंकि उनको विश्वास हो गया ये तो अच्छा काम है, घर बैठी पैसे कमा रही है। तो ऐसे करके ये नेटवर्क आगे आगे बढ़ता गया। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन सेल कैसे होगी इसकी। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना एग्जीबिशन किया जाए,
तो हमने फर्स्ट जो एग्जीबिशन किया वो दिल्ली में किया, क्योंकि हम तो बाड़मेर से बाहर कभी गए नहीं थे, हमारे लिए नई जगह थी, पता नहीं मन में बहुत डर लग रहा था कि लोगों से कैसे बात करेंगे, वो समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, हमारे प्रोडक्ट पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो फिर जब वहाँ गए और एग्जीबिशन में जो कस्टमर आए, उन्होंने प्रोडक्ट देख के इतने पसंद किए कि बेटा ये आपने हाथ से बनाया या मशीन से, तो हमने बोला नहीं ये पूरा हाथ का काम है। और जो हमारे कस्टमर है वो ज्यादातर महिलाएं ही हैं, और उन्होंने हमें गाइड भी किया कि बेटा आप बहुत सुंदर बना रहे हो, लेकिन आप इसमें और भी नवाचार कर सकते हैं इसको। तो फिर हमने जो उन्होंने बताया वही वापस आके किया, और फर्स्ट बार हमारी जो सेल हुई थी वो 10-15 हजार की थी, लेकिन हमारी हिम्मत और बढ़ गई थी कि हम और अच्छा काम करेंगे तो लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो फिर हमने आके पूरी तैयारी कर ली कि ये नेक्स्ट एग्जीबिशन में जाएंगे तो ज्यादा सामान लेके जाएंगे और अच्छी सेल करके आएंगे। और नेक्स्ट एग्जीबिशन में हम जब गए तो हमारी 10-15 हजार सेल नहीं हुई थी, 50 हजार भी नहीं, पूरी 11 लाख की सेल हुई थी। तो फिर हमने देखा कि अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम इसमें और नवाचार करेंगे, क्योंकि उस टाइम हम सिर्फ बेड कवर, कुशन कवर, कर्टन्स बनाते थे, लेकिन पहनने के कपड़े एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी में नहीं बनाते थे। तो हमने फिर कुर्ते, साड़ी, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए, तो उससे और सेल बढ़ी। लेकिन उसको उससे पहले क्या कभी एप्लिक के प्रोडक्ट बनाए नहीं थे, तो लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हमने सोचा इसको लोगों को कैसे दिखाएं, तो फिर फैशन शो के बारे में सोचा, क्योंकि उससे पहले तो हम फैशन शो के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि छोटे कपड़े पहनना ये यही फैशन शो होता होगा। लेकिन किसी ने बोला कि नहीं आप अपने प्रोडक्ट के फैशन शो कर सकते हैं, हेरिटेज जो फैशन शो होता है। हमने सोचा कि फैशन शो हम करेंगे, लेकिन हमें किसी ने मौका नहीं दिया फैशन शो के लिए। उन्होंने बोला कि आप आर्टिजन है, ये डिजाइनरों का काम है जो आपके लेवल का नहीं है। फिर भी हमने बोला नहीं हमारी इच्छा है, हमें करना है। तो राजस्थान में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था और वहां पे हमें मौका मिल गया फैशन शो के लिए। लेकिन अब कैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि वहां पे डिजाइनर आ रहे हैं और वो तो अपनी थीम के साथ प्रोडक्ट बना के लेके आएंगे, अपन कैसे करेंगे। तो हमने किसी और से हेल्प मांगी, तो उन्होंने बोला कि ये आपके लेवल का काम नहीं है, आप फील्ड में जा काम कर रहे हो वही आपके लिए बेटर है। तब हमने सोचा नहीं फैशन शो तो हम करेंगे, चाहे खुद ही बनाए। तो खुद ही लेके बैठ गए और प्रोडक्ट बना भी लिए। जब रैंप वॉक का टाइम आया, डर लग रहा था कि यहाँ पे तो सब डिजाइनर लेके आ रहे इतने अच्छे कपड़े, हमारे कपड़े कौन पसंद करेगा। लेकिन जब रैंप पे आया तो सारे डिजाइनर खड़े होके तालियां बजा रहे थे, और नेक्स्ट टाइम 5 डिजाइनर बाड़मेर पहुंच गए थे, जैसे हेमंत त्रिवेदी, अब्राह्मण ठाकुर, बीबी रसेल, कई 5 डिजाइनर बाड़मेर पहुंच गए थे। लेकिन जब नेक्स्ट फैशन शो हुआ तो बाड़मेर के ही प्रोडक्ट वहां पे थे। तो ऐसे करके हमें वहां से डर खत्म हो गया कि फैशन शो के। उसके बाद में हमने पूरी इंडिया में जो ट्राइबल्स आर्टिजन है उनके लिए अलग अलग जगह पे फैशन शो करना, उनकी कला को प्रमोट करना, और डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया डिजाइनर का। और उसके बाद में हमने सोचा कि क्यों ना इंटरनेशनल एग्जीबिशन किया जाए। तो सबसे पहले हमने जर्मनी हेम टेक्सटाइल में जाने का, जर्मनी गए थे हम, वहां से मेल आया कि इंडिया से मात्र 1 एनजीओ को सिलेक्ट किया है हमने, और वहां पे स्पेस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो हमें तो एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हमें क्यों बुलाएंगे वो सीधा। तो उन्होंने बोला नहीं हमारी टीम ने रिसर्च किया है और आपकी संस्थान है जो अच्छा काम कर रही है, इसीलिए हमने आपको ही सिलेक्ट किया है। तो फिर हम जर्मनी गए और वहां पे भी हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। वैसे तो किसी ने बताया कि वहां पे अपना इंडियन खाना नहीं मिलेगा, तो फिर हम आटा, सब्जी, मसाले वगैरह सब साथ में लेके गए थे और काफी अच्छा लगा। और वहाँ के जो कस्टमरों से मिल के जो कॉन्फिडेंस आया वो बहुत अच्छा था, और हमने सोचा कि हम और आगे अच्छा काम करेंगे। और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिला, तो हमने सोचा कि हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस काम के लिए भी कोई अवार्ड भी मिलेगा।
लेकिन वो अवार्ड मिलने के साथ साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां भी मुझे मिल गई। तो उन जिम्मेदारियों के साथ में अभी भी हम काम कर रहे हैं। वैसे तो मैंने मेरे रोजगार के लिए काम शुरू किया था, लेकिन आज मैं वो नहीं सोचती हूँ। जब मेरी बहनों को रोजगार मिल रहा है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। रूमा देवी, आपने बहुत अच्छे से आपके जीवन की शुरुआत की। पहले तो अपने अपने रोजगार के लिए किया, पर अपने अपने रोजगार से आपने देखते देखते 25,000 ट्राइबल, और अभी तो वो दिन ब दिन बढ़ी रहा है, तो आपने इतने लोगों के घरों के लिए रोजगार उपलब्ध किया। तो सब लोग हम अपनी अपनी जगह पे बैठ के तालियों से आपका अप्लॉज करेंगे, हम आपका स्वागत करेंगे और बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि आपने इतने लोगों के लिए रोजगार, रोजी रोटी आपने घर में बनाई। अब मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आप तो यूएस गई, जर्मनी गई, और देखिए आप एक बाड़मेर ऐसी जगह से है जहां पे इतनी सारी ऑड्स है, मतलब कोई मेट्रो सिटी नहीं है, बहुत सारी विषमताएं हैं आपके आसपास में। तो आपको कोई तकलीफ है या कुछ ऐसे स्ट्रगल्स कि बहुत बार ऐसा गवर्नमेंट से हो सकता है या आपके आसपास में लोगों के, या आपको तो पता है पुरुष प्रधान राजस्थान में जो हम सुनते हैं कि बड़ा पुरुष प्रधान संस्कृति है, तो क्या आपको ये सारी विपदाओं का सामना करना पड़ा? देखिए, जैसे महिला एक घर से बाहर निकल के कुछ काम करे, सबसे पहले तो उनको परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है। लेकिन उन परेशानियों के सामने नहीं देख के हमने काम पे ही फोकस किया, और अभी हम उसी पे ही ध्यान है ज्यादा। तो हमारे समाज भी अब साथ में है, सब पूरा हिंदुस्तान साथ में है। अच्छा, और अभी आपका विजन क्या है, मतलब आगे आने वाले 5 सालों में? अभी कोविड तो बहुत हमेशा नहीं रहेगा, अभी इस विषमताओं के साथ, और आप तो विषमता की देवी हैं कि सारे विषमताओं पे मात करके आपने अभी तक का इतना खूबसूरत सफर तय किया है। तो अभी आगे आपके क्या प्लानिंग है? आप कुछ और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? आप क्या कोई जैसे स्पाइसेस है, खाने की चीजें, राजस्थान तो सब धरोहर है सब इन सब चीजों की, तो आपने जैसे और कुछ आपकी प्लानिंग है, कुछ सोचा है? जी, जैसे आपने अभी वीडियो देखा तो यहाँ पे काफी लोगों को दिक्कत है, जैसे कैकू देवी जी की कहानी थी वैसे ही हजारों बहने हैं जिनके पास में कमाने वाला कोई नहीं है और वो लाचार है। तो ऐसे लोगों की हम मदद कर रहे हैं। वैसे अभी हमारे पास में फंड राइज करने के लिए टीम नहीं है, फिर भी हम हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास में टीम होती तो शायद अच्छा फंड जुटा पाते और हम ज्यादा लोगों की मदद कर पाते। लेकिन अभी पहले तो हम एग्जीबिशन में सेल करते थे प्रोडक्ट को, और यूएसए में अभी हमारे 5 राज्यों में फैशन शो के प्लान थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण नहीं जा पाए। वैसे मैं आपको यूएसए की भी, यूएसए के सफर के बारे में भी बता देती हूँ। जरूर। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमें इनवाइट किया तो 1 महीना तो हमने उनको जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से वो टिकट वगैरह नहीं देते हैं, वो खुद को अरेंज करनी होती है, और इतने पैसे हमारे पास नहीं थे। हमने सोचा कि ये पैसे इधर खर्च कर देंगे तो काम कैसे चलेगा। फिर मुझे जानकी देवी बजाज ग्रुप से अवार्ड मिला, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं आप जाइए, बजाज ग्रुप ने हमारे व्यवस्था करी टिकट वगैरह की। और उसके बाद में, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं चाह रही थी कि साथ में किसी को लेके जाऊं ट्रांसलेटर को, तो एक कॉलेज की एक लड़की को लेके गई, और उसमें प्रकाश जी ने हमारी बहुत अच्छी मदद की। और वहाँ रहने के लिए जो जीटू के साथ इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है सुशील जी, उनसे मुलाकात हुई और उन्हें हमारे वॉशिंगटन में अच्छी व्यवस्थाएं करी। और मुझे वहाँ पे जाके ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इंडिया से बाहर हूँ, वही इंडिया का कल्चर उन्होंने अभी तक वो सब अपनाया है, और उनके माता पिताजी भी उनके साथ में रह रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में गए तो वहाँ पे गोयनका जी ने हमारी सारी व्यवस्था करी थी। तो सबसे मिलके ऐसा लगा कि मैं तो इंडिया में ही हूँ, बाहर हो ही नहीं। वैसे जैन समाज का मेरे पे बहुत सारा आशीर्वाद है। निधि जैन है जो इंदौर से है, वो मेरे पे पुस्तक लिख रही है, अभी लॉकडाउन के कारण बीच में रुकी हुई है। तो ऐसे ही चल रहा है अभी। और अभी जो हम महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि सेल हमारी अभी बिल्कुल बंद हो गई है,
तो हमने एक नया रास्ता भी निकाला है कि ई कॉमर्स के जरिए अगर लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचे और हमारी बहनों को सहयोग मिले, ये सबसे अच्छा है आइडिया। तो हमने अभी ई कॉमर्स लॉन्च करने वाले हैं हम। वैसे आर्टिजनों ने rumadevi.com के नाम से ई कॉमर्स शुरू करने का बोला है, मैंने कहा ये क्यों, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम तो इसी नाम से करेंगे, सब लोगों तक पहुंचेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा तो नाम ही है, आपको किसी के काम आ रहा है तो मैं क्यों मना करूं। तो फिर अभी ये लॉन्च होने वाला है 10-15 दिन में, और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कोई भी गिफ्ट खरीदे, या एनिवर्सरी पर हो, या बर्थडे गिफ्ट हो, या त्योहार पे हो, अपने हैंडमेड प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इन महिलाओं की बहुत अच्छी मदद होगी, क्योंकि अपन खरीद ही रहे हैं तो हैंडमेड इंडिया ही खरीदे, छोटी मदद से इनका घर चलेगा। नहीं नहीं बहुत बढ़िया रूमा देवी, इनफैक्ट मैं यहाँ पे आए हुए सभी जो हमारे ऑडियंस है, मैं उन सबको आज दरख्वास्त करूंगी कि इसके बाद कोई भी आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, किसी के घर पे जा रहे हैं, रूमा देवी की वेबसाइट अभी हम लोग वापिस शेयर कर लेंगे, अभी आपने स्क्रीन पे देखी होगी, और गूगल पे भी आप रूमा देवी का नाम डाल देंगे तो आपको मिल, रूमा देवी तक आप पहुंच पाएंगे। तो सबको यही रिक्वेस्ट है, अपील है कि अब जो भी प्रोडक्ट खरीदे वो स्वदेशी, और अभी आपको तो पता है कि स्वदेशी क्यों खरीदना है, तो इसीलिए क्यों ना हम हमारी बहन को बड़ा करें, हम अपनी राजस्थानी बहन को बड़ा करें, और देखिए उनके माध्यम से कितने हजारों लाखों रोजगार पैदा हो रहे हैं। तो रूमा देवी इसके बाद सब लोग कसम खाएंगे, और आपके जो ये प्रोडक्ट्स है, मैं चाहूंगी कि इंडिया में हमारे, देखिए जीतो लेडीज विंग के 62 चैप्टर्स है, तो हम चाहेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स हमारे हर चैप्टर में, हम लोग उसका एक चैनल बना देंगे, एक सिस्टम बना देंगे, जिसका जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट्स इंडिया के हर घर में पहुंचेंगे, ये हमारा आपको वादा है, एश्योरेंस है। और बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको और एक बात कह रही हूँ, आज आप इतनी अच्छी लग रही है, वो राजस्थानी लिबास और ये लिबास हार्वर्ड केस स्टडी बन गया। देखिए अभी ये मैं आपको बताती हूँ कि ये जितने लोग आपको देख रहे हैं अभी, अनादर फैशन जो दूसरा है, आप सब हमें अभी इसी तरह देखेंगे, तो वो बोर वोर डाल के और ये ऐसा ओढ़ना ओढ़ना, हम सब अभी आगे आपको ऐसे सब रूमा देवी आपको नजर आएंगी। तो आप स्टे ट्यून, आप वही रहिएगा, अभी हमारी दूसरी स्पीकर आ रही है, आप उनको सुनिए क्योंकि वो आपके बहुत काम की है। तो मैं नताशा जी को यहाँ पे इनवाइट करूंगी, तो आप वही पे रहिएगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं, हमारी जो दूसरी स्पीकर है नताशा मालपानी ओसवाल। इंदिरा, कैन वी हैव अ फोकस ऑन नताशा? नताशा जो है, नताशा मालपानी ओसवाल इज अ क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर, poet and podcast host. She runs Boundless Media, a creative house that makes shows and films. She previously led Dice Media and holds an MBA from Stanford. Before this, she was an investor in London. She holds masters from Oxford and Cambridge. She is the author and podcast host of Boundless, a popular poetry collection that encourages a young India to find their own voice. And trust me guys, main नताशा की पोएट्री जब लॉन्च हुई थी एबंडेंस, मैंने खुद अटेंड की है, मैंने उनकी काफी बुक्स इनफैक्ट लाई है गिफ्टिंग करने, आई हैव गॉट मोर देन 100 बुक्स ऑफ बाउंडलेस, और जो मैं गिफ्ट करती हूँ, क्योंकि नताशा की जो हर लाइन है, मुझे लगता है जब लड़की ससुराल जाती है तो मुझे वो हर लाइन जो है, मेरा बचपन, मेरा स्कूल टाइम, और एक लड़की से एक माँ, और एक जो हम ये सफर करते हैं, नताशा की पोएट्री में मैं वो हर चीज फील करती हूँ। तो सारे ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एबंडेंस जो नताशा की पोएट्री है वो जरूर सुनिए, पॉडकास्ट पे नताशा को जरूर सुनिए। सो हियर वी वेलकम नताशा, एंड आई वेलकम योर पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स, मोतीलाल जी, अनिरुद्ध जी, अंजलि, विमला जी, प्रतीक, ऑल दिस वंडरफुल बैकबोन ऑफ योर लाइफ जर्नी। सो ऑल योर्स प्लेटफॉर्म नताशा, ओवर टू यू। Thank you so much for the introduction. That was an amazing, amazing talk by Ruma Devi also, very inspired. So my talk is going to be very different with a very different message, as you guys will see. Natasha, थोड़ा हिंदी में बोलना। मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलती हूँ, लेकिन मेरे English में ही होगा। चलेगा, चलेगा, चलेगा। तो धन्यवाद कि आपने आप आए हैं इधर ये टॉक सुनने के लिए इस टाइम पे। तो मैं शुरुआत करती हूँ एक क्वेश्चन से। सो फॉर ऑल द वुमेन हियर, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन प्रेज्ड
for being nice or sweet or obedient, you know, or for your sacrifice. I think as Indian women, you know, we're taught to adjust, and we're defined by our identities, you know, as Sharmila Ji was also saying, as daughter, daughter-in-law, wife, mother. And we're lucky to have all this support in our lives. But when do we make the space to find our own identity and voice? So the message of my talk is that it's time that we taught other girls and ourselves and the women around us to make a mess, to make mistakes, and to be bold and fearless, because it's the only way to grow and learn. You know, I think exactly like Ruma Devi Ji also said, you know, when she basically took her life into her own hands and she said, forget what everyone around me is saying, I am going to focus on my work. That's when she started making a change and she changed the lives around her, right? So you can only really get what you imagine, believe, or do. So I think, you know, I learned the hard way that pleasing everyone around you is not the formula for success. So I'm just going to tell you my story very honestly, and then feel free to ask me questions. Or if I'm saying something that is not clear, ask me and I'll, you know, say it in Hindi. So growing up, I was a very good, nice girl, very obedient. I did well in school. I always came first and I got straight A's. My family was proud of me. My teachers loved me. But you know, I myself was not happy. In school, when I was so focused on being perfect and getting approval and praise from the people around me, I never really asked myself what I want to do or what I liked or who I wanted to be. So even when it came to choosing my degree, I could have chosen anything, but I chose medicine because my parents were doctors and it seemed like the right thing to do. So I got into a very good medical school, but then I dropped out because I realized I didn't want to do medicine. You know, I don't even like the sight of blood. It didn't make any sense. But even after dropping out in a week, I didn't learn that I should take the time to ask myself what I wanted to do. Again, I enrolled into science because I thought, oh, you know, my parents are doctors. This makes sense. I get good grades. Why not do science? But maine wo degree ki to mujhe thoda bhi pasand nahi aaya. Mujhe pata tha ki ye choice wrong hai mere liye. Mujhe lab work nahi pata hai. Nahi pasand hai. I don't like the repetition. And mujhe isme acha banna hi nahi hai. So then I realized that these 3 years were a big wake-up call for me. I did well. I came first. But I was so unhappy that I thought, you know, after this, I will take the time to find out what I really want to do or be. Because no one can tell you. You know, no one can tell you what you like. So my first lesson was you have to take the time to think for yourself. Other people can't decide for you. If you don't follow your heart, then even if you do well, you will not be at peace. So I decided to spend some time alone, you know, just to be able to think for myself. So I applied abroad and I got a full scholarship to Oxford to study immunology. So very lucky, you know, very lucky to go. And at first it was hard to move to a different country. You know, India is a very community-based society. It is very hard to live alone. To get used to taking care of yourself, to doing everything, to starting, you know, your life from scratch. But while learning to be independent, you know, while learning to start my life again, be part of a new education system, when I met people from all over the world, I realized how small my world was. You know, there is no right way to live. You have to make your own choices. So I really enjoyed the first year. And then I decided, you know what? This master's was amazing. I want to spend more time in the UK to really understand myself. So I did another master's in Cambridge. I moved from science to environment because I wanted to take more time to learn what I wanted to learn, not what other people wanted me to learn. I didn't have a plan. I didn't have a visa. I didn't know what I was going to do next. But I thought, you know what? It's okay. I'm in a foreign country, but I'm going to figure out for myself. I'm going to be independent. And I won't ask anyone else what to do. And this was a very, very important turning point. Because for the first time in my life, I didn't have a plan. I didn't have a structure. I just moved to London. And for 6 months, I struggled. You know, it was very hard to get a visa at that time. No one wanted to give me a job. I'd done immunology and development. So it was difficult to, you know, say what my career should be.
But then just as I was giving up hope, I was like, how do I earn money? What do I do in this country? I might have to go back to my family. I actually found my dream job in investing just on a Twitter post on social media. So I was not qualified for this job. I had never done finance or math, but I just went for the interview. And the person who was interviewing me was a very wise woman, and she just took a chance on me. So I was 22 with no background in investing, no experience, having never worked abroad. And she just said, you know what? I think you have the ability to learn. So we are going to choose you. And that was a big turning point. So I spent 4 years there at that fund. I joined as an analyst, moved up to being investment director. You know, that fund became a $1 billion fund, a very famous company called Big Society Capital. So I went from being the fifth employee to the 50th employee in 4 years. And I had a chance to do everything from helping them build their strategy to doing different deals, to building very senior relationships. And also for me, living in London completely changed how I think about myself and my life. I met some of my best friends from all over the world. It's a very global city. You know, in a way, I still think of London as home. And that was my big second lesson, that actually sometimes not having a plan is fine. You just have to try things. It's completely okay to fail. And you won't know if you don't try. So let life surprise you sometimes. Then my big next transition, I was 25, 26 at this time, was when I met my husband. So Prateek, you know, as Sharmila ji has said, has been a big backbone in my life. So when we met, he was still in Mumbai. I was in London. He was applying to MBAs. And at that point, he got into MIT for Business School, which is an amazing program. And everyone told me in my life, you know, that, you know, I have to move to India or I should move to Boston to be with him. But he actually said, you know, he said, no, why do I have to move to Boston? Why do you have to move for me? I can come to London. So he actually got into London Business School, came for an MBA to support me. And that's, you know, how I knew that he was the right person. So he loved London Business School. We loved the city. We had a very happy 2 years. And he had such a good time in his MBA that I decided to apply for mine. So I applied for MBAs. I got into Stanford. And then again, everyone told me, you know, what about Prateek? Maybe he should go back to India. Maybe you should stay in London. Why are you asking him to move to California? Again, you know, he moved to California happily. And the 2 years at Stanford were an amazing gift for both of us. We both learned more than what was possible, because when you're in Silicon Valley, you're living in the future, you know? So we met some of the smartest people in the world. I was exposed to media. He worked for a fintech company. You know, we both worked on startups. And again, it completely changed the way we think about work. And so it was the right choice. So again, I think, you know, the third lesson was that as a woman, you don't always have to be the support. Sometimes you can ask for support. You know, your partner also wants you to do well and be happy. And both of you benefit when you do well. That is what equality means. You know, so that was a big turning point also. Then when I was at Stanford, you know, I mean, the 2 years, that's a whole different talk on everything that you can learn when you go to Stanford. But they asked these two questions that really stayed with me, which was when it comes to thinking about your career and what you really want to do in life, and when it comes to following your heart, two very simple questions I think everyone should ask themselves. What is it that you like doing in your free time? And two, what did you do as a child? You know, that will really tell you what your passion or calling is. And then thinking about it, I realized this is so obvious. You know, I've been spending time in science, I've been spending time in investing, but actually I've always been a storyteller. I loved reading, I grew up reading books. When I was young, I spent more time in the library than playing with friends. I love writing. You know, I wrote my first book when I was 4 years old in the form of a biography. The first startup I started at 9 was a library. You know, even when I was in investing, I was a part-time journalist. So it was just obvious that I should be in storytelling. So then when we both decided to come back to India, it was a good time, you know, because content is exploding in India, right? People are already saying content is a new gold. You know, companies like Reliance also, you know, have moved from oil to content. So there's never really been a better time to be a storyteller. So I was very lucky. I moved back to India. And my first job in India, I became head of Dice Media, you know? So I went from having no background
in storytelling to running a company where I got to hire a team. I made 4 shows. I made a Netflix show. I play shows with Amazon. You know, I got to script, produce, shoot, basically like understand what sort of stories India wants to tell, you know? And so that was a big transition. But I also realized that actually, you know, once you run a business, running a creative business has a lot of similarities. Once you build a team, it is easy to build a second and third and fourth team. So I realized that actually, you know, you can always reinvent yourself. It doesn't matter if you're 10, 20, 30, 40, just lean into change. People will tell you things are not possible. Everyone told me, how will you get into media? It's impossible to break into film. You have to have connections in Bollywood, you know, very nepotistic. But I just interviewed and got in. So, you know, people will tell you things are not possible, but they are. You just have to act. You know, don't let people tell you what's possible. And then for the last phase, basically, then when I moved back to India, like Sharmila Ji was saying, I wrote a poetry book. Again, not really intentionally, you know. I was just writing these poems to myself on my notes app, actually, on my phone, just to express my feelings to myself about the transition of having lived abroad, moving back to India after 10 years, you know, and what that meant for me, because it was a huge change for me. In some ways, it didn't feel like coming home because I got so used to being abroad that I just wrote these poems and I shared them on Instagram, on social media. And they did so well that I decided to convert them into a book. And then that book, Boundless, did so well that I then converted the poems into a podcast, you know, and now I have a second poetry book coming out with Bloomsbury. So, you know, that was an amazing journey. And I started my own company. So I left Dice Media and started Boundless Media. So now we're making shows and films, again, for Amazon and Netflix, but we're making stories for a new India. So all our stories are bold, they're experimental, there's some animation, there's some mixed media, there's short films, you know, we're making all types of content and we're experimenting. We'll see what's next. No one knows, right? Especially when we look at it with Corona, it's completely changed how we think about every industry. So I think the last lesson is no one has the answers. You know, there is no path. But if you just start today and you act, you take a small step and you ask for help. Obviously, I couldn't have done any of this without my family. You know, both my parents and my in-laws have been very progressive, very supportive. I told you the story of my husband also. You know, actually the name Boundless Media came from my father-in-law. He suggested I name the company Boundless. He's been a very strong source of support. You know, my parents have said, of course, you should do storytelling. You've always done that as a kid. It will fall into place. You know, you don't just take one step after the other and don't let anyone else define you. You have to listen to your own voice. That's my message. Very good, Natasha. It is very inspiring story. And I'm very surprised and I think zapped to see the journey, Stanford, Oxford, and, you know, being an immunology, very serious background. And then we see you as a storyteller. And in fact, I was about to ask you this name, you know, the inspiration behind this name, Boundless. And you answered that, you know, it came from your father-in-law. But definitely we would like to ask that, what is that inspiration? Because you said wherever you went, you didn't have intentions or you didn't have that background, say investment or story or like life just, you know, went on happening. So what is that inspiration, you know, every time or you have in your mind, heart, soul, and which keeps you going and makes you so energetic and boundless, you as in boundless persona? Hello? Hello? Yeah, you could hear me, right, Natasha? Question? I think there was some interruption. Yeah. So this boundless, the personality you have become as a boundless, you know, your persona has become boundless, abundance. Whenever I think I see you,
for me, you are a persona of abundance and boundless. So what is that motivates you and what is that inspiration? Can you hear me? Now I can hear you. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Sorry, I think this internet is... Yeah. So you got the question, right? Inspiration, motivation. Yeah, so I really think that, you know, the motivation comes from wanting to learn and lean into change. Because I really believe that it's not just me. I think all of us are boundless. That is the message. That was why I named the poetry book Boundless, because the message of the poetry is that each one of us has the ability to find our own voice and to, you know, do what we want to do as long as we stay bold, you know, and we're not afraid to fail. So I think that's also what drives me, is that I know that once I decide that I want to do something, I can do it. And I don't want to regret not having tried things, because, you know, when I was young, I was so trapped in trying to perfect and please people that I want to make sure that now I'm, you know, showing, I'm basically experimenting. Okay. You can hear me, right? Can you hear me, Natasha? Yes. Yeah. So Prateek, your Ram is there around you, so that Prateek is around you. He's in the next room, but I can get him if you want. Okay. So my, another, before, you know, we go to the question answer session, because you studied in Stanford, Oxford, Cambridge, and then your story that having immunology background, no background of investment and capital, and then you got into this company in London and you served there as 4 years. And then in India, boundless, poetry, creative, Netflix, Amazon, web series. This is all like, you know, very diversified. So as a Natasha, actually, who you are, like as a, you know, like as a creative entrepreneur, you would say, as a poet, because you have, I mean, you know, so many roles, what we see as an investor, and all the stories have been so successful. Mm. I mean, that's the thing. I don't want to define myself, but if you ask me one thing I am, I'd say I'm a storyteller. And I think, you know, as long as you tell honest stories that connect with people, they can be across formats. So it doesn't matter if it's poetry or fiction or podcasts or shows or films or animation, you know, it's about telling a great story that can connect with people and make them feel something. And what would be your vision, your next vision? What is your vision? And your message to our all these, you know, budding entrepreneurs, our entrepreneurs, what is your, you know? So my vision is definitely to tell these bold, fearless stories that inspire people, you know, so through fiction, through humor, through shows, films, web series, I want to create characters and worlds that make people feel like they can do anything that they put their mind to. So that's the vision. And I don't want to stay constrained in terms of format. And I definitely want to support other creators, right? So when I make a series or a film, you know, there's 100, 200, 300 people working on every show, right? So I want to find amazing new talent, writers, directors, actors. So, you know, if you guys are out there and you are writing things, you're making things, then definitely look us up. Our website is boundlessmedia.in. Write to us, send us samples. You know, because you can find great voices anywhere. You have to start somewhere. My message is that, you know, you're not going to know what you want until you try it. So don't let anyone stop you. Just try it. You know, take a small step. And now that you have the internet, you know, that's what happened with Boundless. That's what happened with the web series. No one has to give you permission. You can do anything. Just put it online. You know, I think Ruma Devi ji said an amazing thing, right? She's moving to e-commerce. She can reach people all over India, all over the world. I mean, you have the internet, we're at home, but you know, there's 400 people here. So we are connected. Yeah, that's, I think what the message you have given is wonderful. And we can see at such an early age, you have achieved outstanding milestones to your life, career,
family, I mean, all what we can see. And I think our all audience can take a great inspiration from you, because I think we have in Jito Youth Wing, we have all young entrepreneurs like you. And I think when they see you, I think you are the real inspiration for our all youth fraternity and even the ladies fraternity. Those who think that obstacles are there, marriages are obstacle, and once, you know, life from unmarried to married, this whole, you know, journey. So most of the young girls when I meet, you know, so they have all these kind of obstacles. I think I'm sure every one of us go through this changes in our lives. But, you know, the way I think you have come, and I think you have become completely boundless. So that is itself is a good lesson and good inspiration, motivation to, I think, all our audience here. So what we will do now, we will go to the questions. I will just go to the chat box and give me a minute, and we will screen, because there are loads of questions, even on personally, people have sent me. So I think Ruma Devi, you are also now up, hai na? Ruma Devi, aap haath bata dijiye. Haan, hai, Ruma Devi ji hai. So Natasha, thank you so much. Bahut hi achha session raha. And in future also, we would like to have many more from you. We would love to learn from you. In fact, so many skills what you have at such an early age. So thank you so much. So we will go to the question series now. Pehla question, Ruma Devi, aap se poochte hain. कि हमारे ऑडियंस में काफी विमेन जो है पूरे इंडिया में अलग अलग शहरों से वो आपसे जुड़ना चाहती है, आपके जो आपका जो व्यवसाय है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज को जो आप कसीदा सिखा रही है और जो आप ये प्रोडक्ट्स बना रही है, तो अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट्स को उनके उनके शहरों में अगर वो कामकाज करना चाहते हैं आपके साथ जुड़ के, तो उसके वो कैसे हो सकता है, आपके साथ किस तरह जुड़ सकते हैं रूमा देवी? देखिए, जैसे आप और हम सब एक ही हैं और सब मिलके ही आगे सक्षम बन सकते हैं, वैसे अभी जो हम काम कर रहे हैं, आपने हमारा एक पहलू चुना है और बाकी दूसरा पहलू जो मैं आपको अभी बताती हूँ, अभी हम बिजनेस में नहीं हूँ मैं वैसे, और महिलाओं तक रोजगार पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनके लिए मदद कर रहे हैं, जो बच्चियां पढ़ नहीं पा रही है उनके लिए पढ़ाई पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, आपदा में हम राहत कार्य महिलाओं तक पहुंचाना और उनको रोजगार करने का काम कर रहे हैं, जैसे अभी प्रकाश जी ने भी हमारी अच्छी मदद की कि महिलाओं को खाने के किट भी पहुंचाए, तो ऐसे जो मदद कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि वो हमारे साथ में जुड़े, और बाकी आप उनके प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप उनके साथ में रह के उनको रोजगार आप दे सकते हैं, आप इतने सक्षम हैं सभी कि उन महिलाओं की अच्छी मदद कर सकते हैं और वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आप अच्छी जगह पे सेल कर सकते हैं, और कई माध्यम से भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम सब एक होके ही काम करेंगे तभी तो और ज्यादा महिलाएं मजबूत बनेगी। और रूमा देवी, इसी से रिलेटेड दूसरा है कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो ये कसीदा आप एम्ब्रॉयडरी जो डिजाइन बना रहे हैं, तो जो पैटर्न मेकिंग है, इलस्ट्रेशन है, ऑर्नामेंटेशन, जो ये इंग्लिश में सारे नाम है, आपके पीछे में जो डिजाइन देख रही हूँ वही जो आपने आपके पीछे जो एक बैनर बना हुआ है अभी जहाँ बैठी हुई है, तो ये आप सिखाने का आपका जैसे आपका कोई मतलब प्लानिंग है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या आपके यहाँ पे ऐसा कुछ जो ये लेडीज और बहुत सारी उनकी जो डॉटर्स है जो ज्वाइन करना चाहेंगी? जी, हम सबसे पहले तो इनको स्किल की ट्रेनिंग देते हैं महिलाओं को, और फिर डिजाइनिंग की देते हैं, फिर मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग प्रोग्राम करके उनको खुद को सक्षम बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। और जी एक मिनट रूमा जी, एक मिनट, अच्छा रूमा जी, दूसरा सवाल ये है कि आपके जो ये फैशन शोज है आने वाले टाइम में, जैसे ये लॉकडाउन हो जाता है, तो इसके आगे के आपके क्या प्लान्स है? आपने जैसे मेरी पहली आपकी कॉन्वर्सेशन हुई तो आपने कुछ खाने के आइटम्स के बारे में
केर सांगरी, ये जो राजस्थान के आइटम्स है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए जैसे गाय का देसी घी है, यहाँ की केर सांगरी है, और यहाँ के जो कुमठे का गूंद है, ये सारी चीजें हम अभी ई-कॉमर्स पे डालने वाले हैं, क्योंकि ये सारे वही बहने इकट्ठा करके अच्छे से कर सकती है और पूरा ऑर्गेनिक होगा, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता है। वैसे कहीं ट्यूबवेल होती है तो वहां पे वो यूरिया वगैरह यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ नेचुरल जो बारिश से होता है वही होता है। और ये rumadevi.com पे मिलेगा, बाकी जो ट्राइब्स इंडिया के शोरूम है वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जरूर मिलेंगे। आपके नजदीक में कहीं पे भी ट्राइब्स इंडिया की शॉप होगी तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। बहुत हाँ बहुत अच्छा सवाल आपके लिए है रूमा देवी, कि आप खुद को मोटिवेटेड कैसे रखती हैं? जी एक तो आप जैसे लोगों से बात करके उनसे मिलके मोटिवेट होते हैं, बाकी जो हमारी बहनें अच्छे काम कर रही हैं उनको देख के ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं कि ये कितना सुंदर प्रोडक्ट बना रही है। और वो जब बताती है कि रूमा जी आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो महिलाओं में हौसला बढ़ता है काम करने के लिए, वो सक्षम बनने के लिए तैयार है। तो मुझे अच्छी मतलब खुशी होती है कि जो आज से साल भर पहले जो महिला घर चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन आज वो सक्षम है, अपना घर परिवार आराम से चला रही है, तो ऐसी चीजों से ही मोटिवेशन मिलता है और खुशियां मिलती है। अच्छा बहुत अच्छा। आपके लिए एक दूसरा सवाल है, काफी लोग रूमा देवी आप तो ब्रांड बन गई, आपको मैं बताती हूँ अभी ये हमारे वेबिनार के बाद देखिए ऐसे क्या होने वाला है। आपके लिए एक सवाल है कि क्या सिर्फ बाड़मेर की महिलाओं को ट्रेन करती है या करेंगी आगे चल के, या जैसे राजस्थान बाड़मेर और राजस्थान को छोड़ के भी आप पूरे इंडिया में महिलाओं को ट्रेन करना चाहेंगी? नहीं, हम पूरी इंडिया की महिलाओं को ट्रेन करने चाहेंगे, क्योंकि हम अभी भी कर रहे हैं उत्तराखंड के माणा गांव में, अभी हमारे यहाँ से आर्टिजन वहां जाके सिखा रहे थे। वैसे यहाँ के सुमनी देवी जी है जो लॉकडाउन के टाइम वहीं रह गई थी और परसों वो वापस पहुंची है, लेकिन वहां के महिलाओं को कॉल आते हैं कि हमें कितना अच्छा हो गया, जो हम वुलन से फैब्रिक बना रहे थे वो प्लेन हम सेल कर रहे थे, लेकिन अब हम एम्ब्रॉयडरी के साथ में सेल करेंगे तो हमारी आय दुगुनी हो गई है। तो ऐसे हम हर जगह पे सिखाना चाहेंगे, ये तो एक हुनर है, आगे बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगा। अब रूमा देवी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने कॉमन में थोड़े सबके आंसर्स ले लिए हैं, वापिस हम आपके पास जाएंगे। अभी नताशा से क्वेश्चन है कि नताशा आपने मतलब इतना अब्रॉड में एजुकेशन करने के बाद आपको इंडिया में काम करना कंफर्टेबल हो रहा है या आपको दिक्कतें आ रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो मतलब यहाँ के हमारे ऑडियंस के बच्चे जब अब्रॉड में पढ़ते हैं तो दे आर नॉट एबल टू सेटल इन इंडिया, सो हाउ यू आर कोपिंग अप विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? यू नो आई आल्सो शेयर एन आर्टिकल, सो आई हैव रिटन एंड थॉट अबाउट दिस अ लॉट बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर, राइट? लाइक आई सेड इट, यू नो यू लीव होम, यू एडजस्ट, एंड देन दैट सॉर्ट ऑफ दैट बिकम्स योर होम, एंड देन इट्स डिफिकल्ट टू कम बैक, सो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली ट्रू। But you know, I actually think there's so much potential. I've been very impressed in terms of the quality of people and work that I have seen in India. You know, I think that I think people who really want to do something, creatives, they are more hardworking. Sometimes they have more talent, and honestly, they're more entrepreneurial. They have more common sense because they've had no training. You know, I mean, the problem with working in India is you have the talent, you have the work, you have the ability to work hard, but then people don't have the ability to communicate clearly. They don't follow timelines. Contracts have no meaning. Sometimes words have no meaning. So, you know, I think if you want to work in India, you have to build your own, you have to say, what sort of culture do I want to work in? So you have to choose your company, your boss, the people you work with as much as the industry. So that's why I started my own company, because I said, you know, I want to set a type of culture, a way of working that I think works having been abroad. And then I will find people to work with me that follow that ethos. I think, you know, and I do think India is also modernizing and changing, because I work with lots of people between the age of 20 and 25.
you know, and the work is global standard, but we have to train people in terms of communication and project management. Right. Very well, Natasha. The next question is that Madhu Jain is asking, Natasha ji, sometimes in front of women, priorities are changed and they are unable to decide and explore them. And how would you suggest them to realize oneself? Yes, I mean, I think, so it depends on what type of priorities you're talking about. But if you're talking about personal priorities, you know, definitely, I mean, there's no getting around it, right? Like men don't need to be as adaptable and flexible. You know, they're not leaving their own family and adjusting to a completely other family. You know, so women, there are things that are asked of a woman that are not asked of men. Obviously, you know, also when it comes to having a child, it doesn't matter how equal your partner is, right? So there are going to be things that, you know, are going to be asked of us that are not going to be asked of men. But I think what is really important is saying that no matter what transition you're going through, that you don't lose sight of the medium or long term. You know, I think that's very important. Not everyone can afford to do this. Obviously, I was very lucky and privileged, but I think one important thing I did is I did not take a break from work when I got married. You know, it is very, like, I literally took only 1 week off from work. So I was in London, I flew down to India for the wedding, and then I flew back out. And obviously I was very lucky. My family supported, my in-laws supported, husband supported. But if you can, don't take a break, because it becomes very, very difficult to go back then. So obviously you can do anything you want. Like I said, you can go back. But if one thing I would say is, it doesn't matter what's happening in your personal life. We all have challenges. Obviously men have their own challenges, but just keep your work consistent, because you have to develop good habits, you know, and it takes time to learn, you know, to work. Once you get used to working 40, 50 hours a day, you will work 40, 50 hours a day. You get used to working 80 hours a day, you will work 80 hours a day. If you get used to not working, you won't work. Yeah, right. In fact, you have very well explained, Natasha, that what happens, especially when girl gets married, and I think the break is so long that they becomes off track and they come out of the mainstream. And okay, then what happened? Then children, and then their 10th and 12th and graduation. So the lady becomes completely off track. And I am facing this, actually, you know, this kind of issues with our lot of women in Jito. And they keep sharing with me that it is very difficult to, you know, come back to mainstream. Mm-hmm. And generations gap. And so I think what you have very rightly put, that the break should not be for a long time. And that balance is very much needed. So Natasha, the another question for you is that, Natasha ji, you didn't have background in film and TV or media studies. How did you actually start or initiate or figure out how you were to execute on the technical end? Yeah, so, you know, so I joined Dice Media, right? And so they'd already made some shows. But the funny thing is, when I joined, the team had sort of left. So I had to hire a new team while at the same time learning how to make shows. So actually, the good thing is the team and I sort of learned together. So I hired people from different backgrounds who'd already worked on shows or films or web series. And then because we were all a new team, we just figured it out together, you know? I mean, that's the thing. Like, once you learn how to learn, you can pick up anything. So, you know, when it comes to making a show or film, it is an art. It is difficult to make a great film. But actually, the process behind making a film is easy. You know, you just have to, if you find the right people and you plan well, you have to write a script, you have to shoot it, you have to edit it, you have to find a client, you have to sell it. You know, I mean, Ruma Devi ji, of course, she has a process, right? Like, making great clothes is an art, you know, making fashionable clothes is an art, but obviously she has a process, right? So it's the same. You have to be creative, but the figuring out the process is not that difficult. Again, we have, I think you did, you can hear me, right? Or there are two questions. Like, one is, how would you support on educating, studying, sending children abroad for education? Do you really think that it makes difference than studying in India and abroad? And what you could, I mean, today talk and people hear you, so they feel that it really makes you outstanding. So whether you would encourage on studying abroad or in India? You know, so you should talk to my parents about this also. So I actually wanted to go abroad when I was 18. And my parents said, no, you have to stay until you're 20, 21. So you can only go for your master's, right?
So I think, look, not everyone has the ability to go abroad, right? And I think a lot of education institutions in India are evolving. So I do think personally for me, going abroad completely changed my life because I would not have been as independent thinking or open-minded or global. Now I can do business with anyone, anywhere in the world, and it's easy for me. That would not have happened personally for me. But I think today, if I was a 15 or 20 year old today, it might be different because India itself is becoming more global. You know, and I honestly think actually right now because of coronavirus, I'm not sure what's going to happen to, you know, educational institutions until we find a vaccine or a cure, right? So like MIT, Stanford, Harvard, everyone's put their courses online. So there is a combination and they're all free. So you can learn a lot being in India, but I think what you cannot get is that exposure to a mindset. So if you can, whether it's for studies, whether it's for work, I would say that you should send your children abroad. And I would say, please don't just send your sons. You have to send your daughters also, you know, don't hold your daughters back. Send both. You know, if you trust your sons, trust your daughters. Yeah, that's $1 million advice. In fact, Natasha, in fact, here as your parents, Malvani ji, Anjali ji, Anirudh ji are here. I think they're very proud parents. And in fact, all audience here, because they all feel and they see, you know, their daughters in you actually, Natasha. And I'm sure here, even the age group, what we all have here, even I'm sure and very indeed pleasure and privilege Motilal ji and Vimla ji to have daughter-in-law like you. Because I think all of us here and audience who is sitting here, they see that idol in you, you know, that icon in you. So I think everybody is, you know, imagining, visualizing daughters who are studying abroad or, you know, they are in dilemma, ladki ko beje, nahi beje. So I'm sure after seeing you, hearing you, you know, and I'm sure even to daughter-in-laws, it's not that only daughter Exactly. You know, I have to say my in-laws have never treated me like anything except for a daughter, you know, and I think that's also very important. I mean, again, maybe that's another conversation, but I've always felt very comfortable, you know, telling them what I think. Right. And I think this in-laws word itself is a wrong now. In-laws is very wrong word. So we should do something about it. Family. We can say family. Family. Right. Thank you, Natasha. Thank you so much. Indeed, it was wonderful talking to you. And I think in future also, we will be connecting you for so many things because we would like you to train us and our, you know, all the audience. I have actually so many questions, but, you know, time is also a barrier. So again, we will go back to Ruma Devi because we have some very important question, and here it is from the, you know, some of the connected with the government agencies. So again, over to Ruma Devi. आपके लिए यह सवाल है कि महाराष्ट्र की जो टीम है, महाराष्ट्र में जो गांव में काम चल रहा है, especially या कोल्हापुर region में कुछ गांव है, बस्तवाड़, नीलेवाड़ी, जिसे गांव जहां पे जो अभी बाढ़ आई थी, वो सारे घर बह गए हैं और गांव में अभी जो महिलाएं हैं, वो रजाई, जो साड़ियां होती है, जो रिसाइकल मटेरियल है, उससे वो रजाई, गोदड़ी कहते हैं महाराष्ट्र में, वो बनाते हैं. तो अभी वो लॉकडाउन शुरू हो गया पर उनके यहाँ कोई रोजगार नहीं है और बहुत कोशिशें चल रही है. इनफैक्ट वहां पे पापड़ और हल्दी और ये मसाले बनाने की मशीन भी हमारे कोलकाता जीवतो लेडीज विंग की महिलाओं ने भी काफी हेल्प करी है. तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र में ये हैंडीक्राफ्ट का काम करने के लिए किस तरह से मार्केटिंग किया जाए, किस तरह से पैकेजिंग किया जाए. महाराष्ट्र में भी आप देखते हैं तो बहुत सारा हेरिटेज है, कल्चर है, ट्रेडिशंस है. आप देखेंगे कि पैठणी वगैरह जो साड़ियां हैं यहाँ की, यहाँ पे भी महाराष्ट्र का एक अपना बहुत बड़ा कल्चर है. तो आप किस तरह से मतलब ये जो एजेंसीज है महाराष्ट्र में, उनको आप हेल्प कर सकती है जिससे महाराष्ट्र की ये जो गांव है, इनफैक्ट विदर्भ, मराठवाड़ा, ये सारा जो बेल्ट है, कोल्हापुर का बेल्ट है, सांगली, सतारा, हातकणंगले, जो कोल्हापुर का जहाँ पे बहुत बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है, और उन गांवों को वापस रिहैबिलिटेशन करने के लिए हम इन महिलाओं को सब खड़ा करना चाहते हैं, तो आपके पास से क्या सहयोग मिल सकता है कि ट्रेनिंग दे सकते हैं या आपके साथ जुड़ सकते हैं या मार्केटिंग कैसे हो सकती है, तो आप थोड़ा इसके ऊपर अगर प्रकाश डालें तो. जी, वैसे तो महाराष्ट्र खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है बॉम्बे की, बॉम्बे पुणे दो जगह की, लेकिन इसमें महिलाओं को पहले तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि आज का हर कोई अच्छे पैकिंग के साथ में साएंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ में साएंगे, तो इन चीजों की
उनको ट्रेनिंग दे के मार्केट के लिए तैयार करना पड़ेगा, फिर उनको खुद को ही मार्केट में जाने के लिए रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं हर जगह ऐसे ही है कि हम खुद बाहर कैसे जाएंगे, उनके अंदर जो झिझक होती है वो उसको मिटाना होगा, ऐसे ही वो सक्षम बन सकती है। अपन सबके उनका सहयोग करेंगे। और बाकी मैं सबसे कहना चाहूंगी कि जिनको भी हमारे साथ में जुड़ना है, किसी को सहयोग करना है, वो सब शर्मिला जी से एड्रेस ले सकते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सो महाराष्ट्र की जो टीम है यहाँ पे, ज्योति ताई, रघुवीर सिंह जी है, ज्ञानेश्वर जी की पूरी टीम है, मूले साहब की टीम है, तो आप सब ने रूमा देवी को सुना है। और एक सवाल आपके लिए रूमा देवी ये है कि आपको ऐसा क्या यूनिक बनाता है कंपेयर टू मिलियंस ऑफ अदर वुमेन हु आर सिमिलर टू यू? आपके जैसी सारी राजस्थानी औरतें हैं, इनफैक्ट हमारा भी पूर्वज, हमारा जो ओरिजिन है हम सब यही है, ये तो हम सब बिगड़ गई है इसलिए ऐसे सब अवतार में आपको दिख रही है, नहीं तो हमारा ओरिजिन तो यही है। नहीं नहीं, अपन सब एक है और सब महिलाएं अच्छी होती है, लेकिन ये जो मैंने ड्रेस पहन के रखा है ये मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है इसमें, क्योंकि जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो लोग कुछ आप इंडिया से हैं उनको बताने ही नहीं पड़ता है, और राजस्थान से बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि आप राजस्थान से, हजारों की भीड़ में से दिखते हैं, तो अपन फिर ये तो एक अपनी पहचान है, इनको क्यों छोड़े, इसको कायम रखना ही हमारा उद्देश्य है। और नताजी से साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा और उनसे भी हम जुड़ा रहना चाहेंगे। और अभी हम, हमारी बहने मास्क बना रही है, वो मैं आपको थोड़े से सैंपल बताना चाहूंगी, क्योंकि आपको किसी को चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे इस तरह के मास्क बना रहे हैं अभी, ये है अलग अलग डिजाइन के हैं इस तरह के, किसी को चाहिए तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। और खास हमारे राजस्थान में जो सांगरी होती है वो अभी हरी हरी आई हुई है पेड़ पे, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। We are all very excited. ये केर सांगरी सब दीवाने हैं, राजस्थानी परिवार। अभी लॉकडाउन में ये सूख जाएगी, लेकिन सूखी हुई की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, आप सबके लिए हम तैयार करेंगे। बहुत अच्छा। और देखिए आज हमारा कोइंसिडेंस कि रूमा देवी और नताशा ये दोनों बाड़मेर जिला से है, तो मैं थोड़ा विजुअलाइज कर रही हूँ कि नताशा को आप एक फोटो के लिए ऐसा बोर वोर पहना के थोड़ा राजस्थानी लिबास में नेक्स्ट टाइम नताशा को हम जरूर देखेंगे अगली पोएट्री, और उनका जो अगला जब आएगा तो बाड़मेर की, नताजी बाड़मेर जब आए आप हमारे पास जरूर आइए, हम आपको पूरे राजस्थानी ड्रेस में अपन दोनों साथ में फोटो खिंचवाएंगे। बहुत अच्छा। आज हमारे साथ बाड़मेर से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, रघुवीर सिंह जी राठौड़ जो यह गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम करते हैं, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी का काम वो काम संभालते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए, वो सब आपको देख रहे हैं, वो आप सब आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे इसके बाद। और आज का आपका यह सेशन दोनों का, नताशा रूमा देवी और बाड़मेर को, देखिए बाड़मेर जिला में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे पता है इनफैक्ट कि बाड़मेर आगे भी जाके बहुत चैलेंजेस होने वाले हैं, और ऐसी जगह से आप दोनों बिलोंग करते हैं तो आप दोनों को सैल्यूट करते हैं, आप दोनों को खूब खूब अनुमोदना करते हैं, और आप दोनों की आज की जो ये स्टोरी है, आज आपने जो एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पे, जितना ऑडियंस है इनकी लाइफ जरूर बदलने वाली है, हर एक की लाइफ बदलने वाली है, हर कोई चाहेगा कि मेरी बेटी नताशा हो, मेरी बहू नताशा हो, और हर कोई महिला जो यहाँ पे वो हर कोई रूमा देवी बनना चाहेंगी। आज आपने जिस तरह से सब सेशन कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद रूमा देवी और नताशा आप दोनों का, आपसे सहयोग हम बनाए रखेंगे। और जीतो परिवार की ओर से जैसे ही ये लॉकडाउन सेटल होता है, ये हमारा एश्योरेंस है कि हम आपके साथ जरूर सहयोग करने वाले हैं, और आपकी जो ये मूवमेंट है इसे हम आगे बढ़ाने वाले हैं, और इस जर्नी में हम आगे मिलेंगे। स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, स्पेशली आपके माता पिता पीकू मल जी, आपके जो हस्बैंड है नताशा के हस्बैंड प्रतीक है, उनकी हम शक्ल तो नहीं देख पाए, आपके पीकू मल जी को भी नहीं देख पाए, पर उनके सपोर्ट के बिना सारा काम अधूरा रहता है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे माता पिताओं का धन्यवाद, हमारे पास जो सारे VVIPs भी है यहाँ पे काफी जुड़े हुए, उन सबका धन्यवाद, हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट टीम इंद्र महाराज
जो ये सारा कंट्रोल कर रहे हैं, संजीता है, श्वेता है, हमारा एपेक्स का सेक्रेटेरिएट है, और हमारे प्रकाश जी कानूंगो है जो सारा सब कुछ इसे अपना वरद हस्त रखा हुआ है, और मेरी पूरी जीतों की जो टीम है, हमारी जो एक आर्मी है, कमांडर आर्मी है, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जाते जाते इतना ही कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मिला जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नताशा, धन्यवाद।